ऐसा करना, किसी भी तरह की जहालत करना और चुनाव वगैरह जीत जीने वगैरह किसी पर बजाना, चाहे रैली हो चाहे सरपंच का चुनाव कोई हो। हाँ बताओ भाई, कोई किसी किस्म का नहीं बदन लगे इंशाल्लाह। आज का जो मामला है कि जो मेवात के आने वाले मुस्तकबिल की, हमारे नौजवानों की, आज के हमारी पीढ़ियों की, आज के हमारे हालात की, इस फिक्र की हम बात कर रहे हैं कि आज से नहीं, ये सिलसिला हमारे बुजुर्गों ने चलाया, बुजुर्गों से चला आ रहा है। मेवात क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आज फिरोजपुर झिरका में उलेमाओं द्वारा बुलाई गई एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के सदर मौलाना खालिद कासमी, शेर पंजाब के साहेबजादे मौलाना मोहम्मद अतहर, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आज़ाद मोहम्मद, विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक चौधरी नसीम अहमद, चौधरी फजल हुसैन, विधायक फिरोजपुर झिरका मामन खान, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी, औकाफ अइमा के सदर मौलाना असरुद्दीन, मुफ्ती जाहिद हुसैन, रमज़ान एडवोकेट, ताहिर एडवोकेट देवला, जुबैर अहमद अलवरी, सलामुद्दीन एडवोकेट आदि प्रमुखों के अलावा सैकड़ों क्षेत्र के उलेमा साहिबान, समाजसेवी, वकील और बुद्धिजीवी इस महापंचायत में मौजूद रहे। सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि जो विवाद के अंदर जो सामाजिक बुराइयां बहुत गहराई तक अपने पैर फैला चुकी हैं, चाहे वो नशाखोरी की बात हो, चाहे वो और कोई अपराध से जुड़ी हुई बातें हों, और उसके अलावा जो शादी ब्याह से संबंधित जो कुरीतियां हैं, जैसे कि बड़ी शादियां, बड़ी बरातें, बड़े दहेज का लेन देन, जिससे आज मेवात में बहुत बुरा हाल लोग आम लोगों का हाथ होता जा रहा है और लोग परेशान हैं, उन पर पाबंदी लगाने का फैसला आज सबने मिलजुल कर यहाँ पर लिया है। इलाके के हरियाणा राजस्थान के सभी उलमा हजरात और सभी जो है नुमाइंदे, सभी बिरादरी के चौधरी और सभी, चाहे वो सामाजिक हों, कार्यकर्ता हों, चाहे और फिक्रमंद लोगों ने आज यहाँ जुड़ के एक बड़े फैसले लिए हैं कि जो व्यापक बुराई, चाहे वो समाज में नशाखोरी है, चाहे और जो बुराइयां पनप रही हैं, उन पे रोक लगाने के लिए, उनके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए और सामाजिक तौर पर उनको रोकने के लिए, शादी ब्याह में फजूल खर्ची और जो है दिखावा, और उसी तरीके से जो चाहे मेहर की बात हो, बरात की तादाद की बात हो, और जो हम सुधार कर सकते हैं अपने शरिया एतबार से, अपनी चाहे शादी ब्याह हो, चाहे अपनी जिंदगी हो, उसको रद्दोअमल में लाएं, और उसके लिए बाकायदा एक बड़ी कमेटी बनेगी। इस महापंचायत में कई अहम फैसले लिए गए। इलाके मेवात में फैल रही सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाना, जुआ, सट्टा, नशाखोरी, दहेज, ओएलएक्स, टटलूबाजी, ऑनलाइन ठगी, ब्लैकमेलिंग, सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो या वीडियो वायरल करने पर पूरी तरह से पाबंदी, इसी तरह से शादियों में जहालत, दहेज पर पाबंदी, और साथ ही मेवात के तमाम कब्रिस्तानों को महफूज रखना और नाजायज़ केसों पर पाबंदी और उनकी पैरवी करने वालों पर भी रोक लगाने जैसे फैसले हुए। और इन सब बातों की देखरेख के लिए एक 51 मेंबरी कमेटी का गठन किया जाएगा और अगली महापंचायत 26 तारीख को दिन शनिवार के पुराने PWD रेस्ट हाउस में नुहू में होगी। ये हमारे सदर मोहतरम मौलाना खालिद साहब ने फैसला किया और ऐलान किया है। लेकिन करना किसी भी तरह की जहालत करना और चुनाव वगैरह जीत जीने वगैरह किसी पर बजाना, चाहे रैली हो चाहे सरपंच का चुनाव कोई हो। हाँ बताओ भाई, कोई किसी किस्म का नहीं बदन लगे इंशाल्लाह। निकाह कैसे करेंगे, जो शरीयत के मुताबिक है, खून और दूध के जो रिश्ते। लेकिन आज के जो फैसले हैं ये सबके ऊपर लागू रहेंगे और इनको सभी हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ाने की, निभाने की बात करेंगे, और इससे मेवात एक नई तरक्की की तरफ चलेगी और भाईचारा कायम होगा, रमन अमान कायम होगा, और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक उन्नति और एक शिक्षा की तरफ चलेंगी, ये हम उम्मीद करते हैं।
इस मामले में एक और महापंचायत 26 मार्च को नूह में होगी, लेकिन फिलहाल देखना यह है कि इन महापंचायतों का असर जमीन पर कितना होगा और क्या मेवात में फैल रही इन सामाजिक बुराइयों पर कोई रोक लग सकेगी या फिर ये एक बार फिर इसी तरीके से सिर्फ महापंचायत तक सीमित रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेवात टाइम्स।